गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्टार्ट करें, आरसी से स्टार्ट करें आज। ठीक है, इवनिंग वाले बैच में अभी हुआ था, तो जो लोग नहीं कर रहे हैं ठीक है, उनका फिर 5-6 महीने बाद जब सर्कुलेशन में आता है तब होगा। तो अगर छूटा अभी तो सारे एग्जाम के अंदर छूट जाएगा। ठीक है, तो आपके भाई बंधु ठीक है जो नहीं आ रहे हैं, जो सो रहे हैं ठीक है, उनको जगाने का मौका आ गया, तो उनको बोल सकते हो आप कि ये सिर्फ 5 महीने के बाद आएगा और 5 महीने तक तो गेट आई है, सब एग्जाम खत्म हो जाएंगे। ठीक है, आरपीएससी भी खत्म हो जाएगा, आरसीसी हमको स्टार्ट करना है आज। आरसीसी और स्टील दोनों कनेक्टेड सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो आरसीसी और स्टील को सिक्वेंस में रखा हुआ है अपने। आरसीसी हम पहले देखेंगे, उसके बाद में हम स्टील स्ट्रक्चर के अंदर डिजाइन मेथड देखेंगे कि किस तरीके से डिजाइन की जाती है। अभी बेसिकली आरसीसी स्ट्रक्चर्स जो हमको समझना है उसके अंदर हम डिजाइन समझेंगे, और डिजाइन से पहले हम आरसीसी का मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, आरसीसी का मतलब है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, मतलब कंक्रीट को जब रेनफोर्समेंट के साथ यूज किया जाता है तो उसको आरसीसी कहते हैं। ठीक है, और आरसीसी मेंबर्स जो बनाए जाते हैं उसमें आपके पास में आ जाएगा कॉलम डिजाइन, बीम डिजाइन। ठीक है, जितने भी स्ट्रक्चर्स, जितने भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट जिस पर कॉन्क्रीट को रेनफोर्समेंट को रेनफोर्समेंट के साथ यूज करते हैं वो आरसीसी स्ट्रक्चरल डिजाइन के अंदर आएगा। ठीक है, तो बेसिक डिजाइन आप देखेंगे कि बीम को कैसे डिजाइन किया जाता है, क्या डिजाइन पैरामीटर्स है, कॉलम को डिजाइन करना समझेंगे आप। ठीक है, फुटिंग्स को डिजाइन करना आप समझेंगे, रिटेनिंग वॉल। ठीक है, तो रिटेनिंग वॉल पर प्रेशर स्टडी आप करते हैं, कहां पर सोइल में भी आप जो है प्रेशर स्टडी करते हैं। डैम भी जो है वो एक तरीके का रिटेनिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन रिटेनिंग वॉल ना बोल करके उसको हम डैम कहते हैं। ठीक है, दैट इज यूज टू रिटेन वॉटर, वॉटर को रिटेन करने के लिए जो स्ट्रक्चर यूज होता है उसको डैम कहते हैं। तो डैम भी आपने स्टडी किया, अभी इरिगेशन में बताया था मैंने आपको। ठीक है, उसके अलावा अभी तक मेनली जो आपका फोकस था ना वो था फोर्सेस कैलकुलेशन पर, कि कितना फोर्स आ रहा है, कितना उस फोर्स के कारण मूवमेंट आएगा, मतलब फोर्स की लोकेशन पता लग जाती थी, तो उस लोकेशन के हिसाब से फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस करके मूवमेंट आ जाता था। लेकिन अभी हमारा फोकस क्या रहेगा कि भाई इतने फोर्सेस आ रहे हैं, कितना बड़ा मेंबर लें। ठीक है, साइज कितनी रखें इस मेंबर की, कि जैसे बीम डिजाइन करना है कि 200 विड्थ रखें, 500 इसकी डेप्थ रखें, इतना रेनफोर्समेंट डालें, तो ये चीज आप देखोगे। अगर आरसीसी डिजाइन की हम बात करें तो इसमें एलिमेंट कंक्रीट प्लस स्टील डाल करके बनाया जाएगा, आरसीसी एलिमेंट होगा। और यदि हम सिर्फ स्टील यूज करते हैं तो उस स्टील को नॉर्मल स्टील बोलेंगे या तो, या फिर क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चरल स्टील। दोनों में डिफरेंस आएगा, एक तो है रेनफोर्स्ड स्टील जो कि आरसीसी के अंदर कंक्रीट के समय यूज करते हैं तो रेनफोर्स्ड स्टील बोलते हैं, पूरा वर्ड साथ में बोलेंगे रेनफोर्स्ड स्टील। और दूसरा जो स्टील हो गया, जैसे यहाँ पर सिर्फ स्टील की गर्डर लगी हुई है तो वो स्ट्रक्चरल स्टील कहलाता है। दोनों स्टील में डिफरेंस है, दोनों के लिए कोड अलग अलग है, दोनों के लिए टर्म सेम आएगी कि परमिसिबल लिमिट कितनी है कंप्रेशन में। ठीक है, आपको पूछेगा परमिसिबल लिमिट स्टील, रेनफोर्स्ड स्टील में परमिसिबल लिमिट कितनी है, और आपसे पूछेगा रेनफोर्स्ड स्टील के अलावा स्ट्रक्चरल स्टील में परमिसिबल लिमिट कितनी है। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन आया ना तो ध्यान देना किस स्टील की बात हो रही है, रेनफोर्स्ड स्टील की बात हो रही है या फिर स्ट्रक्चरल स्टील की बात हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली हम आरसीसी का मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, रेनफोर्समेंट का मतलब समझ लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, कंक्रीट की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जो मैंने आपको बीएमसी में नहीं बताया होगा। और इसके बाद में हम चलेंगे एक एक करके एलिमेंट डिजाइन के अंदर। दो तरीके के मेथड्स आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे, एक तो है लिमिट स्टेट मेथड और दूसरा है वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में आपको दूंगा, दोनों मेथड्स बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डाल लो द इंट्रोडक्शन ऑफ आरसीसी, हेडिंग डालो द इंट्रोडक्शन ऑफ आरसीसी, काफी इंपॉर्टेंट है। बीम डिजाइन या कॉलम डिजाइन किसी भी एग्जाम के अंदर, मेंस के अंदर क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, नोट करें, द बेसिक कंपोजिशन ऑफ द कॉन्क्रीट, द बेसिक कंपोजिशन of the concrete, the basic composition of the concrete is what? Concrete किन चीजों से मिलकर के बना होता है? Concrete बनता है, ठीक है, concrete बनता है कैसे? जब आप कुछ amount of water लेते हैं, कुछ amount of cement के साथ में, कुछ amount of fine aggregate यानी कि sand के साथ में, और कुछ amount ले लिया जाता है coarse aggregate का,
इनके अलावा भी कुछ चीजें ली जा सकती है, ठीक है। वो क्या चीजें होती है, केमिकल्स, ठीक है। तो केमिकल्स यूज किए जा सकते हैं। केमिकल्स का पर्पज हो सकता है कि हम स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं, केमिकल्स जो ऐड करते हैं उनका पर्पज हो सकता है कि हम कंक्रीट को अच्छे तरीके से काम में लेना चाहते हैं, इसका मतलब वर्केबल बनाना चाहते हैं। तो ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, नोट करो आप। हियर द एग्रीगेट्स आर बेसिकली टू टाइप्स, देखो एक तो है फाइन एग्रीगेट और दूसरा है कॉर्स एग्रीगेट, ठीक है। तो नोट करते जाओ आप साथ में, दिस इज द फाइन एग्रीगेट और दूसरा है कॉर्स एग्रीगेट, ठीक है। सोइल में भी आप पढ़ते हैं दो तरीके की सोइल आती है, ठीक है। कौन कौन सी सोइल आती है, एक तो आता है फाइन सोइल, ठीक है, और दूसरा आता है कौन सी सोइल, कोर्स सोइल। तो फाइन सोइल की जो बाउंड्री है, फाइन सोइल के अंदर क्या क्या चीजें आप इंक्लूड करते हैं, एक तो सिल्ट को और दूसरा इंक्लूड करते हैं क्ले को। और इससे बड़ी साइज के जो पार्टिकल होते हैं कौन से आ जाएंगे, सैंड आ जाएगा, ग्रेवल आ जाएगा, बोल्डर कॉबल ये आ जाएगा। तो जो बाउंड्री है इसकी वो क्या हुआ करती थी, 75 माइक्रोन। अगर 75 माइक्रोन से छोटी साइज है पार्टिकल की तो वो फाइन सोइल कहलाएगा, और 75 माइक्रोन से बड़ा है तो वो कोर सोइल कहलाएगा, सोइल, ठीक है। और यहीं पर अगर ध्यान दें आप इस चीज पर, फाइन एग्रीगेट का मतलब है सैंड, ठीक है, फाइन एग्रीगेट का मतलब है सैंड। और सैंड और ग्रेवल की जो बाउंड्री है वो क्या है, 4.75 mm, ठीक है। तो आपसे पूछे कि भाई फाइन एग्रीगेट मैक्सिमम साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट कितनी है, आंसर होगा 4.75 mm। मैक्सिमम साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट इज 4.75 mm, मैक्सिमम साइज ऑफ द फाइन सोइल इज 75 माइक्रोन। एक में वर्ड यूज किया सोइल, एक में वर्ड यूज किया एग्रीगेट, ठीक है, नोट कर लो। द मैक्सिमम साइज ऑफ द फाइन एग्रीगेट, द मैक्सिमम साइज ऑफ द फाइन एग्रीगेट इज 4.75 mm, द मैक्सिमम साइज ऑफ द फाइन एग्रीगेट इज 4.75 mm। और साइज का पता लगाने के लिए क्या चीज की जाती है, ठीक है, अगर ये साइज आप पता लगाना चाहते हैं तो यहां पर सीव एनालिसिस की जाती है, ठीक है, नोट कर लो आप। द सीव एनालिसिस इज परफॉर्म, द सीव एनालिसिस इज परफॉर्म टू नो अबाउट द साइज ऑफ द पार्टिकल्स। सीव एनालिसिस इज परफॉर्म टू नो अबाउट द साइज ऑफ द पार्टिकल। ध्यान देना, सोइल से मैं रिलेट कर रहा हूं थोड़ा थोड़ा, ठीक है, डिफरेंट चीज है वैसे, लेकिन जो एग्रीगेट्स वगैरह है ये क्या है, ये सोइल ही तो है, ठीक है। तो यहां पर आप देखो फाइन सोइल कोर सोइल, तो कोर सोइल में जब आप यहां पर डिफरेंसेस देखते थे कि सैंड ग्रेवल से कैसे डिफरेंट है, ठीक है, या कॉबल से कैसे डिफरेंट है, बोल्डर से कैसे डिफरेंट है, तो इनमें अगर आप कैरेक्टराइजेशन करना चाहते हो इनमें, ठीक है, कि अलग अलग तरीके से कैसे आप कैरेक्टराइज करेंगे, तो बेसिस क्या हुआ था, ग्रीन साइज, ठीक है। द बेसिस इज ग्रीन साइज, और यू कैन से द सीव एनालिसिस परफॉर्म, ठीक है, फॉर द कैरेक्टराइजेशन ऑफ व्हाट, द कोर सोइल, ठीक है। और अगर बात करें फाइन सोइल की, तो फाइन सोइल का जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो प्लास्टिसिटी होती है, ठीक है। जो फाइन सोइल का जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो क्या है, प्लास्टिसिटी है। क्ले में प्लास्टिसिटी होती है और सिल्ट के अंदर प्लास्टिसिटी नहीं होती है, समझे आप। तो यहां पर आप दोनों में डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो बेसिस क्या है, प्लास्टिसिटी चेक कर लो, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सी तो सिल्ट है और कौन सी क्ले है। और यहां अगर पता लगाना है कि कौन सा सैंड है, कौन सा ग्रेवल है, कौन सा कॉबल है, कौन सा बोल्डर है, तो यहां अगर क्लासीफाई करते जाते हैं कोर सोइल को, तो बेसिस जो है वो ग्रेन साइज है, ठीक है। ग्रेन साइज 4.75 mm, कहां तक जाता है, 20 तक, 4.75 mm के बाद में 20 तक, ठीक है, 20 के बाद में 80 तक, ये बताया होगा मैंने आपको सोइल के अंदर, ठीक है। तो नोट कर लो इधर साइड में, ये सोइल में आपको पॉइंट में दे चुका हूं वैसे, इसमें आपने डिस्कस भी किया था कि प्लास्टिसिटी चेक करने के लिए, ठीक है, अटरबर्ग लिमिट्स वगैरह बनाई जाती है, चेक करते हैं वहां पे, तीन तरीके की जो है लिमिट्स आती है, श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड लिक्विड लिमिट, ठीक है। तो प्लास्टिसिटी के बेसिस पर फाइन सोइल को क्लासीफाई किया जाता है, नोट कर लो आप। द फाइन सोइल इज क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्लास्टिसिटी, इंपॉर्टेंट वर्ड, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कई बार काम में पूछा जा चुका है। द फाइन सोइल इज क्लासीफाइड, फाइन सोइल इज क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्लास्टिसिटी।
Where is the coarse soil is classified on the basis of grain size, on the basis of grain size. नोट करेंगे. तो ये तो थोड़ा बहुत जानकारी मैंने आपको सोइल की दी है इस जगह पर, क्योंकि हम बात कर रहे थे फाइन एग्रीगेट की और कोर्स एग्रीगेट की. अभी सारा का सारा डिस्कशन हम इसी पर चलाएंगे, ठीक है. आपके लिए आरसीसी में जो बाउंड्री है पार्टिकल्स में वो क्या है, 4.75 mm है, उससे छोटा फाइन एग्रीगेट है, उससे बड़ा कोर्स एग्रीगेट है, ठीक है. तो यहां देखें, सीव एनालिसिस जब परफॉर्म की जाती है, सीव ली जाती है, ठीक है. आप सभी लोगों ने सीव एनालिसिस किया होगा, ठीक है. तो सीव एनालिसिस में जो ओपनिंग्स हुआ करती थी वो कैसी हुआ करती थी, स्क्वायर या सर्किल, ठीक है. दिस इज नॉट सर्किल, द ओपनिंग्स आर स्क्वायर ओपनिंग्स, ठीक है. नोट कर लो आप, इन द सीव एनालिसिस द सीव विच इज यूज्ड इज ऑफ स्क्वायर ओपनिंग. इन द सीव एनालिसिस द सीव विच इज यूज्ड इज ऑफ स्क्वायर ओपनिंग. और इसकी साइज कैसे हुआ करती थी, जैसे मान लो ये बोला गया है कि ये 10 mm की सीव है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम स्फेरिकल पार्टिकल, मैक्सिमम स्फेरिकल साइज का जो पार्टिकल यहां से पास हो सकता है उसकी डाया कितनी है. द डाया ऑफ द स्फेरिकल पार्टिकल विच कैन पास थ्रू द सीव इज 10 mm, ठीक है. नोट कर लो, द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्टिकल, द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्टिकल विच कैन पास, विच कैन पास थ्रू द गिवन सीव, द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्टिकल विच कैन पास थ्रू द गिवन सीव ऑफ साइज 10 mm, ऑफ साइज 10 mm is 10 mm, of size 10 mm is 10 mm, ठीक है. तो सीव का साइज 10 mm बोला गया है, पार्टिकल जो पास हो सकता है उसकी साइज कितनी है 10 mm में, मैक्सिमम डायमीटर का पार्टिकल जो पास कर सकता है सीव को वो 10 mm का होगा, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपने नोट किया, नोट करो, जनरली आपको पता होगा ये जो रेशियो लिया जाता है ये किस ऑर्डर में होता है, ठीक है. फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का जो रेशियो है वो किस रेशियो में लिया जाता है, दिस इज 1:2, ठीक है. नोट कर लो, नॉर्मली द रेशियो ऑफ द फाइन एग्रीगेट टू द कोर्स एग्रीगेट, नॉर्मली द रेशियो ऑफ फाइन एग्रीगेट टू द कोर्स एग्रीगेट इज 1:2. आपने देखा होगा ना कि जैसे आप M20 कॉन्क्रीट की बात करते हैं, ठीक है, क्या रेशियो होता है इसका, 1:3 का, ठीक है, 1:3 का रेशियो है. ये क्या हुआ करता है सीमेंट, ये क्या हुआ करता है फाइन एग्रीगेट, और ये हुआ करता है कोर्स एग्रीगेट, ठीक है. इसको डिटेल में देखेंगे हम, मैं आपको सिर्फ रिलेट कर रहा हूं जो आपको पता होगा. 1.5 वैल्यू यहां पर थी, 3 यहां पर है, अगर इनका रेशियो लिया जाए तो ये रेशियो कितना है, दिस इज 1:2, समझ में आता है. तो नॉर्मली जो ये रेशियो लिया जाता है वो लगभग 1:2 होता है. नोट करो आप, द सेंट्स आर क्लासिफाइड इन 4 zones, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था इस बार एसएससी के अंदर. The sands are classified in 4 zones. Sands are classified in 4 zones. Zone number 1 से लेकर के zone number 4. Zone 1, zone 2, zone 3 and zone 4. Zone 1 जो soil है ये coarser soil होती है, ठीक है. This soil are coarser, ठीक है. Coarse soil, medium soil, fine soil एंड वेरी फाइन सॉइल, सैंड लिख दो इसको आप, वेरी फाइन सैंड. द सैंड्स आर क्लासिफाइड इन द 4 zone, और पार्टिकल की साइज जोन 1 से जोन 4 क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है. तो जोन 1 जो है वो सबसे कोर्सर है, और लास्ट में जाकर के जोन 4 जो है वो सबसे फाइन है, वेरी फाइन सैंड. द रेशियो ऑफ द फाइन एग्रीगेट, ठीक है, नोट करेंगे आप, द रेशियो ऑफ फाइन एग्रीगेट टू कोर्स एग्रीगेट, द रेशियो फाइन एग्रीगेट टू द कोर्स एग्रीगेट फॉर द फाइनर सेंड, फॉर द फाइनर
सेंट इज लेस देन 1/2 फॉर द फाइनल सेंट इज लेस देन 1/2 इज लेस देन 1/2 लेस देन 1/2 का मतलब क्या है कि फाइन एग्रीगेट को और छोटा कर दिया, ठीक है। फाइन एग्रीगेट की अगर साइज छोटी हो जाएगी तो उसका जो अमाउंट यूज किया जाएगा वो भी कम होगा, ठीक है। आप ऐसे समझो, फाइन एग्रीगेट आपको दिया गया स्टैंडर्ड साइज है, ठीक है। फाइन एग्रीगेट स्टैंडर्ड साइज करते हैं तो रेशो कितना लेते हैं, 1/2 लेते हैं। अगर स्टैंडर्ड से कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा, रेशो भी कम हो जाएगा, ठीक है। नोट करो आप आगे, फॉर द मीडियम सेंट, स्टैंडर्ड जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो मीडियम के लिए, फॉर द मीडियम सेंट द फाइन एग्रीगेट टू द कोर्स एग्रीगेट रेशियो, इसके लिए मीडियम सेंट के लिए दिस रेशियो इज नॉर्मली वी टेक 1/2। द रेशियो ऑफ फाइन एग्रीगेट टू द कोर्स एग्रीगेट फॉर द मीडियम सेंट दिस इज 1/2 एंड फॉर द कोर्सर सेंट द फाइन एग्रीगेट टू द कोर्स एग्रीगेट रेशियो किसके लिए, कोर्सर सेंट के लिए, कोर्सर सेंट के लिए दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1/2। फाइन एग्रीगेट टू द कोर्सर एग्रीगेट्स के लिए द रेशियो इज 1/2, ऐसे याद रख सकते हो आप, ठीक है। ये प्रैक्टिकल चीजें सारी, तो यहां आप याद रख सकते हो कि मीडियम सेंट अगर लेते हैं आप तो वो कितना रेशियो दे रहा है, 1/2 दे रहा है। अगर मीडियम सेंट पार्टिकल की जो साइज है उससे छोटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, रेशियो भी छोटा हो जाएगा। फाइन एग्रीगेट की कम क्वांटिटी लेंगे, ठीक है, और अगर कोर्सर सेंट लेंगे तो फाइन एग्रीगेट की ज्यादा क्वांटिटी लेंगे, ज्यादा क्वांटिटी लेंगे तो क्या हो जाएगा, रेशियो 1/2 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। कंपेरेटिव स्टडी नोट करें आप, द स्ट्रेंथ एंड द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कॉन्क्रीट, अगला स्टेटमेंट है, द स्ट्रेंथ एंड द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कॉन्क्रीट, द स्ट्रेंथ एंड द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ एंड द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कॉन्क्रीट डिपेंड्स अपॉन द वॉटर सीमेंट रेशियो, द स्ट्रेंथ एंड द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कॉन्क्रीट डिपेंड्स अपॉन वॉटर सीमेंट रेशियो एंड दिस वॉटर सीमेंट रेशियो इज जनरली टेकन इन बिटवीन 0.4 to 0.6। द स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, द स्ट्रेंथ एंड द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कॉन्क्रीट डिपेंड अपॉन द रेशियो विच इज कॉल्ड वॉटर बाय सीमेंट रेशियो एंड दिस वॉटर बाय सीमेंट रेशियो फॉर द नॉर्मल डिजाइन दिस लाइज बिटवीन 0.4 to 0.6। और ऑब्वियस है, देखो कॉन्क्रीट के अंदर जो चीज यहां पर सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी उसकी क्वांटिटी अगर वेरी करें तो स्ट्रेंथ में वेरिएशन काफी आएगा, वो कौन सी चीज है, सीमेंट। तो अगर सीमेंट का अमाउंट बढ़ाते हो, ठीक है, बाकी फिक्स रखें, सीमेंट का अमाउंट बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। और ध्यान रखना, अभी से मेरा एक स्टेटमेंट छोटा सा, अगर कभी भी स्ट्रेंथ बढ़ती है कॉन्क्रीट की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है, यानी कि उसकी परमिबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। परमिबिलिटी का मतलब क्या है कि एनवायरमेंट का जो मॉइस्चर है वो इजीली अंदर जा रहा है, तो अगर लेस परमिबल होगा तो क्या ज्यादा ड्यूरेबल होगा, ज्यादा ड्यूरेबल भी होगा, लंबे समय तक चल पाएगा। अदरवाइज ज्यादा परमिबल हुआ तो मॉइस्चर जब अंदर जाएगा केमिकल्स भी अंदर जाएंगे, और केमिकल्स अंदर जाएंगे तो जो अंदर रेनफोर्समेंट बैठा है वो कोरोड हो सकता है, समझे आप मेरी बात को। तो बेसिकली जैसे ही स्ट्रेंथ बढ़े हर एक क्वालिटी पैरामीटर बढ़ जाएगा। जैसे कंक्रीट की शियर स्ट्रेंथ की बात करें, अगर कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ती है तो शियर स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। और कंक्रीट की स्ट्रेंथ का मतलब अंडरस्टूड होगा बाय डिफॉल्ट, ध्यान रखना, अगर आपसे बोले कंक्रीट की स्ट्रेंथ इतनी है तो क्या मानना है उसको, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। अलग अलग तरीके की स्ट्रेंथ आती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है, शियर स्ट्रेंथ कितनी है, बेंडिंग स्ट्रेंथ कितनी है, समझे आप। तो वो सिर्फ बोले कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ इतनी है, क्या मानेंगे आप, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, कि कंक्रीट जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना ले सकता है। और जैसे ही कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यदि कंक्रीट की इंप्रूव कर दोगे हर एक क्वालिटी पैरामीटर बढ़ जाएगा, ठीक है, परमिबिलिटी कम हो जाएगी, शियर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, हर एक क्वालिटी पैरामीटर इंप्रूव हो जाता है अगर कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा कैरी करता है, ठीक है। नोट करो आप, इफ द वॉटर सीमेंट रेशियो डिक्रीजेस, when the water cement ratio decreases the concrete becomes more strength, the concrete will have more strength when the water cement ratio decreases
क्योंकि वाटर सीमेंट रेशियो का डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि सीमेंट का अमाउंट बढ़ा दिया होगा आपने, मान लो सीमेंट का अमाउंट बढ़ा दें, ठीक है, तो क्या होगा, वाटर सीमेंट रेशियो डाउन होगा, और सीमेंट का बढ़ना मतलब ज्यादा स्ट्रेंथ वहां पर होगी, ज्यादा ड्यूरेबल वो होगा, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यूरेबिलिटी, मतलब कितना लंबे समय तक चल पाएगा वो, ठीक है। तो जैसे डिजाइन लाइफ की बात करते हैं, 10 साल डिजाइन लाइफ है, या 15 साल है, 20 साल है, 25 साल है, अगर किसी स्ट्रक्चर की डिजाइन लाइफ 15 साल है, किसी दूसरे स्ट्रक्चर की डिजाइन लाइफ 25 साल है, कौन ज्यादा ड्यूरेबल है, जो 25 साल तक चल पा रहे, समझे आप। तो ड्यूरेबिलिटी का जो मेन फोकस होता है वो किस चीज पर होता है, ध्यान देना छोटी छोटी बातों पे, कि कोई स्ट्रक्चर कब ड्यूरेबल ज्यादा होगा, आपने आज बनाया और टाइम के साथ में उसकी स्ट्रेंथ घटती जा रही है, कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा ड्यूरेबल होगा जिसका एनवायरमेंट का इफेक्ट कम से कम पड़े, उस स्ट्रक्चर पर जिस पर एनवायरमेंट का इफेक्ट कम से कम पड़ेगा वो ज्यादा लंबे समय तक ड्यूरेबल रहेगा, ठीक है। आता है ना एशियन पेंट्स भी आते हैं तो बताते हैं आपको, ठीक है, ज्यादा ड्यूरेबल है, ठीक है, शर्मा जी कौन सा पेंट लगाया, ठीक है, तो वहां पर क्या करते हैं वो सीधा सीधा बारिश बारिश पड़वाते हैं, कभी सनलाइट आ रही है, समझे आप, कभी टेम्परेचर, कभी बारिश आ रही है, बारिश के साथ में केमिकल्स आ रहे हैं, समझे आप मेरी बात को। तो डेफिनेटली जब जब भी ड्यूरेबिलिटी की बात आएगी ना, आपका दिमाग वहां चलना चाहिए कि एनवायरमेंट का इफेक्ट जो है कितना पड़ रहा है। अब एनवायरमेंट का इफेक्ट अंदर तक ना पहुंचे, जैसे मैंने बीम बनाया, ठीक है, तो क्या करें आप, जैसे रेनफोर्समेंट जहां बैठा है, ये रेनफोर्समेंट यहाँ बैठा है, ठीक है, तो आरसीसी मेंबर्स में सबसे बड़ी दिक्कत किसकी है कि रेनफोर्समेंट पर जब केमिकल अटैक होता है तो रेनफोर्समेंट की प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है और वो एलिमेंट फेल हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो कि ये चीज कहते हैं आप क्लियर कवर, तो ज्यादा से ज्यादा अगर क्लियर कवर रखेंगे तो क्या होगा कि कम से कम जो है मॉइस्चर अंदर तक रेनफोर्समेंट तक पहुंच पाएगा, तो ड्यूरेबल जब आप देखेंगे तो क्लियर कवर भी हम वहां पर चेक करेंगे, ठीक है। अभी मैं सिर्फ मोटा मोटा आपको आइडिया दे रहा हूँ, इनको डिटेल में मैं बताऊंगा कितना होता है कितना नहीं होता है, नोट करें आप। अगली चीज हम देखते हैं अलग अलग वेथिंग कंडीशन के हिसाब से अलग अलग ड्यूरेबिलिटी आएगी, समझे आप मेरी बात को। जैसे कोई स्ट्रक्चर है सी के आसपास है, ठीक है, वहां के एनवायरमेंट में भी क्या होगा, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, ठीक है। तो अगर कोई ऐसे स्ट्रक्चर है या कोई ऐसे स्ट्रक्चर है जहां पर एनवायरमेंट बहुत ही जो है बहुत ही जेंटल एनवायरमेंट है, बहुत ही अच्छी कंडीशंस है, तो वहां पर ज्यादा ड्यूरेबल स्ट्रक्चर हो पाएगा, समझे आप मेरी बात को। तो ड्यूरेबिलिटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन, नोट करो आप, ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एक्सपोजर कंडीशंस, ड्यूरेबिलिटी ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द ड्यूरेबिलिटी एंड द स्ट्रेंथ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एक्सपोजर कंडीशंस। IS code has classified IS code has classified the following exposure conditions, the following exposure conditions, IS code कहता है कि exposure condition यानी कि environment जो है वो mild है, exposure, ठीक है, एक्सपोजर कंडीशन यानी कि एनवायरमेंट की कंडीशन माइल्ड एनवायरमेंट है। उसके अलावा द नेक्स्ट वन इज मॉडरेट कंडीशन जो है वो थोड़ी सी बेकार है, माइल्ड से बेकार कंडीशन है, मॉडरेट के बाद में आ जाएगा सीवियर कंडीशन, ठीक है, और मौसम बेकार हो गया, इसके बाद में वेरी सीवियर एंड देन एक्सट्रीम कंडीशन, पूरा डिफाइन किया हुआ है कोड ने एग्जैक्टली, अगर कोड खोल करके देखें, ठीक है, IS कोड 456 डिजाइन का कोड है, अगर खोल करके देखें उस कोड को तो आपको एक्सपोजर कंडीशंस जो है डिफाइंड मिलेगी कि कहां पर माइल्ड कंडीशन कहते हैं, किस कंडीशन को मॉडरेट कंडीशन कहते हैं, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जनरली जितने भी स्ट्रक्चर्स आप नॉर्मल कंडीशंस में जब डिजाइन करते हैं तो वो अंडर द मॉडरेट कंडीशन होता है, ठीक है, नॉर्मली जब स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं आपको एनवायरमेंट के बारे में पता नहीं है तो क्या मान करके चलते हैं, मॉडरेट कंडीशन है, ठीक है, नोट करो आप। यहां पर मिनिमम ग्रेड ऑफ आरसीसी पूछी जाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, एज पर द IS कोड मिनिमम ग्रेड ऑफ आरसीसी, ठीक है, मिनिमम ग्रेड ऑफ आरसीसी कितना यूज किया जा सकता है, नोट करेंगे आप, फॉर द माइल्ड कंडीशन दिस इज M20, फॉर द मॉडरेट कंडीशन दिस इज M25, सीवियर का होगा M30 ग्रेड, वेरी सीवियर का होगा M35 ग्रेड, ऑन एक्सट्रीम कंडीशन का होगा M40 ग्रेड। तो मैं यहाँ पे बता तो रहा हूँ आपको, लेकिन उसके बाद में हम ग्रेड्स वगैरह के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो अभी फिलहाल आप नोट कर लो, यहाँ पर जो M लिखा हुआ है इसका मतलब है मिक्स, ठीक है, M का मतलब है मिक्स, और जो ये
लेटर लिखा हुआ है इस जगह पर, जो ये संख्या लिखी हुई है, दिस इज व्हाट, दिस इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, ठीक है, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, ठीक है, इसको लिख दो आप अभी यहां पर एफ सी के, एक एक करके मैं डिफाइन करूंगा इन सब चीजों को, लेकिन अभी आप लिख दो दिस इज व्हाट, दिस इज एफ सी के। एम 40 लिखा हुआ है, तो 40 का मतलब एफ सी के है, एफ सी के की फुल फॉर्म है द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट, ठीक है, आएगा ये डिटेल में। अभी आप लिखते जाए, एम का मतलब है मिक्स, और ये जो नंबर लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट दिस इज व्हाट द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट, दैट इज बेसिकली एफ सी के, एंड दिस इज गिवन बाय न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, दिस इज गिवन बाय न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, नोट कर लो। कोई भी एक एग्जाम्पल के तौर पे आप पकड़ लो सारी ग्रिड जो मैंने लिखवाई है, जैसे M 40 लिखा हुआ है तो M का मतलब मिक्स है, और 40 जो नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है दैट डिफाइंस द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, ठीक है, इसको डिफाइन करेंगे हम बाद में। तो M 40 बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंक्रीट की ग्रेड, ठीक है, अगर कंक्रीट की ग्रेड M 40 है तो उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, जितना मैक्सिमम स्ट्रेंथ वहां पर है वो कितनी है, 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, नोट कर लो आप, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, फॉर एग्जांपल फॉर एम 40 द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। एक बात आपको नोट करने की है, समझने की है, वो बात क्या है कि माइल्ड सबसे अच्छी कंडीशन है, ठीक है, उसके बाद में मौसम बिगड़ता जा रहा है, समझे आप मेरी बात को, तो आपने लोवेस्ट ग्रेड की कंक्रीट जो यूज करी आरसीसी बनाते समय, ध्यान देना आरसीसी बनाते समय, मतलब कंक्रीट जो होगा वो स्टील के साथ यूज होगा, रेनफोर्समेंट के साथ यूज होगा, ठीक है, पीसीसी की हम बात नहीं कर रहे हैं, एक और कंक्रीट आता है यहाँ पर जिसको कहते हैं प्लेन सीमेंट कंक्रीट, तो पीसीसी और आरसीसी दोनों सेम है, बस डिफरेंस किस बात का है, जब कंक्रीट आप यूज करोगे, एक तो रेनफोर्समेंट के साथ यूज कर रहे हैं और उसी कंक्रीट को विदाउट रेनफोर्समेंट यूज करें तो वो पीसीसी है, ऐसा नहीं कि कुछ स्पेशल बनाना पड़ेगा, कंक्रीट सेम है बस रेनफोर्समेंट के साथ यूज होगा तो वो आरसीसी कहला रहे हैं, विदाउट रेनफोर्समेंट यूज होगा वो पीसीसी कहला रहे हैं, समझे मेरी बात को, तो यहां पर आप देखें कि मिनिमम ग्रेड ऑफ आरसीसी, किसी भी टाइप का आरसीसी स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, तो मिनिमम ग्रेड ऑफ आरसीसी जो है वो कहां से स्टार्ट हुआ, देखो आप M20, अगर आप आरसीसी पर्पज के लिए कॉन्क्रीट बना रहे हैं M20 से नीचे नहीं चलेगा, जैसे M15 कर दें या M10 कर दें या M5 कर दें, M7.5 कर दें, नहीं चलेगा अगर आप आरसीसी बनावे, ठीक है, नोट कर लो आप, एज पर द आईएस कोड स्टेटमेंट नोट करो, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में खूब आ रहा है, ठीक है, एज पर द आईएस कोड द मिनिमम ग्रेड ऑफ आरसीसी, द मिनिमम ग्रेड ऑफ आरसीसी, द मिनिमम ग्रेड ऑफ आरसीसी इज M20, ठीक है, मिनिमम ग्रेड ऑफ आरसीसी इज M20, ठीक है, नोट करो आप इसमें आगे, एज पर द आईएस कोड, दूसरा स्टेटमेंट, एज पर द आईएस कोड द मिनिमम ग्रेड, द मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, एज पर द आईएस कोड द मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, द मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट फॉर आरसीसी इज M30, फॉर आरसीसी इज M30 एंड फॉर पीसीसी इज M20, आरसीसी इज M30 एंड फॉर पीसीसी इज M20 एंड फॉर पीसीसी इज M20, पीसीसी इज M20 अंडर द सीवियर कंडीशन, under the severe condition the minimum grade of RCC is M30 and for PCC is M20 under the severe condition, और severe condition किसको कहते हैं, under sea construction जो होता है, under sea water construction जो होता है, या near, ठीक है, under near sea water construction, ठीक है, ये क्या कहलाता है, ये severe condition कहलाता है, तो ये काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान रखेंगे आप, एज पर द आईएस कोड सी वाटर के आसपास या सी वाटर में जो कंस्ट्रक्शन होता है, सी मतलब सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, अगर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा
वो एनवायरमेंट सीवियर एनवायरमेंट माना जाता है, और सीवियर एनवायरमेंट के अंदर आरसीसी की जो ग्रेड है वो M30 है मिनिमम, और पीसीसी की जो ग्रेड है वो M20 है। ठीक है, याद रहेगा आपको ये, नोट करो आप। आजकल ना ये भी पूछा जा रहा है आपको, एक्सट्रीम कंडीशन में व्हाट इज द मिनिमम ग्रेड ऑफ आरसीसी, आंसर M40 होगा। ठीक है, द मिनिमम ग्रेड ऑफ आरसीसी अंडर द एक्सट्रीम कंडीशन, लिख लो फिर भूल जाओगे आप। इस टेबल को पूरा याद रखें, कुछ पूछता जा सकता है। द मिनिमम ग्रेड फॉर आरसीसी इज M40, द मिनिमम ग्रेड ऑफ आरसीसी, द मिनिमम ग्रेड फॉर आरसीसी इज M40 अंडर द एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशन, अंडर द एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशन। अंडर द एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशन द मिनिमम ग्रेड ऑफ आरसीसी इज M40। नोट कर लिया आपने, याद रखें।